देख रहे हैं समस्त हवा न्यूज, मैं आपके साथ रचना। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। कोरोना से बचाने थाना पुलिस की पहल, पोस्टर और संवाद कर पुलिस कर रही जागरूक। राष्ट्रीय महामारी घोषित हो चुके कोरोना वायरस से निपटने के लिए पुलिस भी मुस्तैद नजर आने लगी है। हटा के मड़ियादू थाना पुलिस ने एक नवाचार करते हुए ग्रामीण अंचल में कोरोना वायरस से निपटने और इसके बचाव के लिए लोगों को जागरूक करने की कवायद शुरू की है, जिसके लिए पुलिस साप्ताहिक बाजारों में लोगों के बीच जाकर भीड़ पर नियंत्रण करने, लोगों को समझाइश देकर ग्रुप में खड़े न होने की अपील कर रही है। लोगों के बीच संवाद करके उन्हें कोरोना के दुष्परिणाम और बचाव सावधानियां आदि के लिए जागरूक कर रही है। प्रोबेशनल डीएसपी नितिन एस बघेल के नेतृत्व में थाना पुलिस मड़ियादो क्षेत्र के सार्वजनिक और शासकीय परिसरों में कोरोना के बचाव के लिए बिंदुवार सावधानियां लिखकर पोस्टर चस्पा कर विभिन्न नवाचार कर कोरोना वायरस के प्रति लोगों को सचेत कर रही है, ताकि लोग इस जानलेवा वायरस की चपेट में आने से बच सके। थाना पुलिस ने आज मड़ियादो के उप तहसील कार्यालय, कॉरपोरेटिव बैंक, जामा मस्जिद सहित निजी प्रतिष्ठानों पर जाकर पोस्टर चस्पा किए। पहल में अधिकारी नितिन एस बघेल, प्रभारी भल्ला प्रसाद दुबे, केवल नारायण मिश्रा, विपेश चौबे, डेन्यू के सहित सोहेल पठान शामिल रहे। बाइट नितिन एस बघेल, प्रोबेशनल डीएसपी, अधिकारी थाना मड़ियादो। आज हमने एक ग्रामीण विजिट किया था, जहां पर कोरोना महामारी है बीमारी, उसमें ग्रामीणों को समझाया था कि जब बाहर निकले तो उनके पास कोई भी टॉवल हो, रुमाल हो, उसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि क्या रहता है कि जो कोरोना वायरस रहता है ना कि शरीर में प्रवेश करता है, तो उसे रोकने के लिए हमें नैपकिन, रुमाल मुँह में ढक के चलना चाहिए और हर दिन एक रुमाल यूज़ करना चाहिए और शाम को वो धो लेना चाहिए। इसके लिए हमने टैंपलेट भी छपवाए हैं और ग्रामीणों के साथ बातचीत भी की है, उन्हें समझाया है, संदेश दिए हैं कि इसे कैसे बचा जाए। और हमने ये भी बताया है कि जो भी व्यक्ति बीमार होता है उससे दूर रहे और तत्काल सूचना करें भोपाल में जो नंबर है 0755 2527 577 पर वो कॉल कर सकते हैं। सर, कोरोना को लेकर पूरे देश में अलर्ट है, तो हटा में ये मान के चले पुलिस का ये भी एक नवाचार है कोरोना को लेकर कहीं ना कहीं, तो आगे क्या तैयारी रहेगी विभाग की ओर से, कुछ दिशा निर्देश हैं या आप लोग फील्ड पे क्या काम कर सकते हैं इसके लिए? और हाँ जी, विभाग की तरफ से एसपी सर ने हमें आदेशित किया था कि जो भी बीट आरक्षक है या फिर जो भी एएसआई है, कॉन्स्टेबल हो, वो भीड़ पर भ्रमण करके ग्रामीणों को संदेश देंगे कि भीड़ इकट्ठी ना करें और दूरी बनाकर रखें। उन्हें संदेश दी थी कि ये महामारी बीमारी है और जब भी आप बीमार हो तो तुरंत सूचना करें। पुलिस का काम यह है कि हम स्वास्थ्य विभाग के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं और मास्क और सैनिटाइजर वितरित कर रहे हैं। सैनिटाइजर का मतलब ये नहीं कि आप मार्केट से खरीद सकते हैं, जो डेटोल रहता है, डेटोल को आप पानी में डाल लीजिए, साबुन से हाथ धो लीजिए, उसके बाद फिर डेटोल वाले पानी से आप हाथ धो लीजिए और नैपकिन जो साफ धो लेते हैं उसे साफ कीजिए। क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में अगर हम सैनिटाइजर खरीदते हैं तो महंगा रहता है, लेकिन अगर हम घरेलू उपाय करते हैं जिसमें डेटोल की जो रेट बहुत कम होते हैं, पानी में हमने उसे भिगो दिया है तो आप उससे साफ कर सकते हैं। क्योंकि क्या है कि कोरोना वायरस नासा द्वार के द्वारा जाता है, तो उसके लिए हमें नैपकिन ज़रूरी है।